लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव में रायपुर लोकसभा की सीट भी है और इस सीट को लेकर किस तरह की जो सियासी हलचलें हैं उसको लेकर बात करेंगे। कांग्रेस से जो प्रत्याशी है विकास उपाध्याय, उनके साथ हम बात करेंगे नेताजी का रोड शो में, और हम उनके साथ में, वो अभी रोड शो भी कर रहे हैं, उनके साथ में चलेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या ऐसे इश्यूज हैं जिनके वजह से उनको लगता है कि कांग्रेस जो है वो मजबूत है। बृजमोहन अग्रवाल जो काफी कद्दावर नेता है बीजेपी के, वो उनके सामने खड़े हुए हैं, और विकास उपाध्याय कहाँ पर पाते हैं, क्योंकि विकास उपाध्याय ने जो पहली बाइट दी थी जब टिकट मिला था उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये चींटी और हाथी की लड़ाई है। क्योंकि न्याय की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, 10 न्याय 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। 24 लाख मतदाता है, 3000 से ज्यादा गाँव है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच के कांग्रेस की गारंटी के बारे में उनको बताना और उनको लाभ दिलाना है, ये लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, और उसको पूरा करने का एक मादा, एक जोश हम लोगों में है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू जी आज हम लोगों के साथ में हैं। जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश आम मतदाता में है, मुझको लगता है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन वादों को करके ये सत्ता हासिल की थी, अब वो इस वादों पर बात नहीं करते। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करता, किसानों की बदहाली पर कोई बात नहीं करता, बेरोजगारों पर कोई बात नहीं करता, जबकि यही भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल लगाया जाएगा, बड़ी बड़ी बातें की थी, और 30 लाख ऐसे पद केंद्र सरकार के खाली हैं जिसको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। आज हम उसी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज हर घर हर परिवार परेशान है महंगाई की वजह से, उनको कैसे निजात दिलाना है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। रोड शो लगातार चल ही रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आप भी हमारे साथ, हमारे नेताजी का रोड शो में साथ में चले, और हम आपके साथ जाना चाहेंगे जिन जिन गांवों में आप जा रहे हैं, और देखेंगे कि कैसे आप जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। पर ये जो चौपाल जो आपने लगाई है, इसके बारे में जनप्रतिनिधि को जब वो वोट मांगने जाता है या वोट मांगने के बाद परिणाम के बाद उसको जीत हासिल होती है, तो जनता से उसका संवाद होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। आज हम वोट मांगने जा रहे हैं, ये लोग सब मतदाता हैं, ये हमको वोट क्यों देंगे, हमारी योजना क्या है, किस योजना से इनको लाभ हम दिला सकते हैं, क्या आप करेंगे, ये जनता को बताना है। बड़ी मीटिंग करके हम उस जनता को स्पष्ट नहीं बता पाते, छोटी छोटी मीटिंग करके हर गांव में जाके हर जगह पहुंचकर हम उनके बीच में अपनी बातों को रखते हैं। चाहेंगे कि अभी अपनी गाड़ी छोड़कर आप हमारे साथ चलिए और हम आपके साथ में उन जगहों पर जाएंगे जहाँ पर आप जाना चाहते हैं और कैंपेनिंग करते हैं, तो प्लीज। आपने ठीक है महंगाई का मुद्दा बताया, आपने बेरोजगारी का मुद्दा बताया, अभी बीजेपी की सरकार है, ये जो इन महीनों में आप क्या वो भी इश्यूज हैं जिसको लेकर उनमें क्या बातें जो है वो आप उठा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे थीम को अगर आप सोच लेंगे तो इस देश में सबको फूट डालो और राज करो की नीति उनकी चल रही है। अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग तरीके से लड़ाई कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल एक बड़ा समय इस देश की जनता ने दे दिया विश्वास करके, अब जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही, इसलिए कि उन लोगों ने झूठ परोसा था। जनता को इस चीज की जानकारी भी है कि अगर कोई उनके लिए लड़ सकता है, उनके हक और अधिकार को कोई दिला सकता है, तो कांग्रेस पार्टी उनके हक और अधिकार को दिला सकती है। हम उसी की लड़ाई को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि आपका जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटका में जो लोगों ने कांग्रेस को चुना है तो वो पछता रही है, उन्होंने पाप किया है। छत्तीसगढ़ में जो है साए साए जो है वो सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में एक शब्द होता है साए साए, मतलब काफी स्पीडली, तो रैपिड फोर्स से, तो उसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, 10 साल में ऐसा कोई माइलस्टोन इस छत्तीसगढ़ के उनके सांसद 10 11 सीटें हैं, 11 में 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और बहुत वोटों से जीती थी। इस रायपुर लोकसभा की भी बात करेंगे तो 4.25 लाख वोट से यहाँ के प्रत्याशी जीते थे। 9 में 7 प्रत्याशियों की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दी। क्यों काट दी? क्या वो निष्क्रिय थे? क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी कार्य योजना नहीं थी जो जनता के बीच में जाकर वो बता पाए? ये एक सवालिया प्रश्न है। दूसरी चीज, आज साए साए पर बात हो रही है, गैस का दाम बढ़ रहा है साए साए, खाने पीने राशन का दाम बढ़ रहा है साए साए, शराब को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी बड़े वादे करती थी। शराब को सबसे बड़ा धंधा, व्यापार का सबसे बड़ा एक कार्य योजना में लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, और मैं समझता हूँ कांग्रेस की सरकार में हमने शराबबंदी से लेके शराब की दुकानों को कम करने का प्रयास किया, शराब की लोगों को लत मत लगे उसको सुधार कार्यक्रम हम लोगों ने चलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शराब दुकानों को बढ़ाकर इस प्रदेश के लोगों को नशे
में भर कर रखने का प्रयास वापिस चालू कर दिया। साय जी तो खाली मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव के बाद साय जी भी साय के समान चले जाएंगे। साय जी को सिर्फ ये कुछ चुनिंदा महीनों के लिए सीधे आदमी है, सज्जन आदमी है, इसलिए कुछ महीने उनको मोहरा बनाया है। इसके बाद पीठ के पीछे तो कोई और काम कर रहा है, दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे कोई और है जो इनको चला रहा है। मैं समझता हूँ ये लोकसभा चुनाव के बाद उनके यहाँ जरूर इन साय को हटाकर वो कुछ नए दूसरे लोगों को बनाने के फिराक में है। ये मतलब ये मान के चलूं क्या कि आप एक कूटनीति के तहत चल रहे हैं कि भाई एक मैसेज दे दिया जाए कि भाई आप तो खतरे में हैं, दूसरे सीधे आप नहीं लड़ पा रहे हैं, तो इस तरीके से कूटनीति? देखिए, इन चार महीनों में बहुत सारी ऐसी फाइलें साइन हुई, बहुत सारी योजनाएं ऐसी आई जो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को ऊपर से इंस्ट्रक्शन देके एक अलग, ये तो मेरे को लगता है मोहरा है, ये सरकार कोई और चला रहा है। और इसीलिए आज जो चार महीने में जो वादे उन्होंने किया था कि चुनाव जीतने के बाद शपथ के तुरंत बाद जो जो मुद्दों पर उन्होंने बात की थी, जो संकल्प लिया था उसको पूरा, उसकी शुरुआत भी उन लोग नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी को कहां से हैंडल किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाने में कौन लोग हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने कहा कि 1,00,000 रुपए आप देंगे, युवाओं को 1,00,000 रुपए देंगे, आप महिलाओं को 1,00,000 रुपए देंगे, और कैसे भरोसा करें जो लोग हैं? चले जाइए गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना में, महिला बहनों को अकाउंट में सीधा पैसा मिल रहा है। आप चले जाइए कर्नाटक में, इसी गृह लक्ष्मी योजना की गारंटी से महिला बहनों के अकाउंट में पैसा डालने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, वहां चले जाइए, गृह लक्ष्मी योजना से पैसा मिल रहा है। देखिए, सरकार की नीयत और नीति साफ होती तो रसोई के गैस के दाम को कम करती, सरकार की नीयत और नीति साफ होती तो पेट्रोल डीजल के दाम को कम करती। जब बीजेपी की जो सरकार आई विधानसभा के समय, तो ये माना जाता है कि महतारी बंधन के जो फॉर्म भराए गए थे, कहीं ना कहीं ये भरोसा आया कि भाई फॉर्म भरवाए गए हैं तो ये वादे तो पूरे होंगे ही, और उसने एक बड़ा काम भी किया, ये कहा जा रहा है नतीजों को पलटने में। आप लोग फॉर्म भरवा रहे हैं महालक्ष्मी योजना का, क्या आपको ऐसा रिस्पॉन्स दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने घर घर में लड़ाई कराई। 3 महीने पहले महतारी बंधन योजना के नाम से, महतारी बंधन योजना के नाम से 1,000 रुपया का फॉर्म सबसे रजिस्ट्रेशन कराया, पंजीयन कराया, जिसमें एक घर में सास से भी कराया, ननन से भी कराया, बहू से भी कराया, देरानी से कराया, जेठानी से करवाया, और पैसा कहीं एक जन को मिला है, कहीं एक जन को भी नहीं मिला। तो घर घर में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई करा दी। पहले ही महंगाई के कारण घर घर में लड़ाई है, क्योंकि कमाई कम खर्चा ज्यादा है, आज तकलीफ में है, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को करके लोगों को विवाद में फंसाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की गारंटी का मतलब जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने सरकारी बड़े बड़े अस्पताल हैं, एम्स हैं, आप सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये आंगनबाड़ी है, मितानिन है, ये पेंशन, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, ये राशन कंट्रोल दुकान में राशन कार्ड में लोग राशन लेते हैं, ये कांग्रेस की गारंटी है। एक 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 ऐसा माइल स्टोन। कितनी सीटें आप कह रहे हैं? देखिए, 11 सीट में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट पर चुनाव जीतेंगे। रायपुर की सीट को लेकर क्या कहें? देखिए, रायपुर की सीट और चींटी की लड़ाई आप क्या है? रायपुर की सीट चुनौती है, लेकिन कोई भी चीज असंभव नहीं है। पहले भी मैंने जो यहाँ चुनाव लड़ा वो असंभव था, तो उसको संभव किया। देखिए, तो वो तो बात मैंने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घमंड है, जनता के बीच में नहीं है। बैनर पोस्टर में आपको दिखेंगे, लेकिन जनता के बीच में नहीं है। हम जनता के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़े, मान के चले, हाथी और चींटी की लड़ाई 100% हाथी और चींटी की लड़ाई है। उन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी बात को कहते हैं कि हम लोग जीतने, वोट की लीड बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस समय मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि रावण को भी घमंड था, रावण के पास भी यश, कीर्ति, धन, वैभव, बल सब था, लेकिन एक चीज रावण के साथ जो आ गई, उसकी यश, कीर्ति, धन सबको खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया, और रावण का विनाश हो गया। ये प्रेम है, ये प्रेम है जो हमको बल देता है। 24 घंटे आपको लगता है कि जीत का हार भी है? नहीं, ये मनोबल बढ़ाने का कि
माला है। 24-24 घंटे में 22-22 घंटा 18-18 घंटा काम करने के बाद जो ताकत मिलती है वो इन्हीं से मिलती है। 4 तारीख को क्या? 7 तारीख को 100% 4 तारीख को इसी प्रकार का हार पहना जाएगा और जीत की माला सब पहनाएंगे। कटिया गांव हम पहुंच चुके हैं और आप देखेंगे कटिया गांव विकास उपाध्याय पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं यहां पर किस तरह की सभा होती है और रूटीन किस तरह का होता है नेताजी का। ये दिल्ली के चुनाव, ये दिल्ली के सरकार, देश के सरकार के चुनाव, ये 7 तारीख के चुनाव, ये दिल्ली के चुनाव, ये जगह दीदी बहनी में बैठे, ये 10 साल में हर रोज 1,000 रुपया, खाली 1,000, 1,000 में घर चल दी, 1,000 में घर चल जाते नहीं चले, वो 1,000 रुपया में भी घर घर में लड़ाई, घर घर में कला, घर घर में झंझट, भाई भाई के बाटा, ये भारतीय जनता पार्टी और उन करा है। तो विकास उपाध्याय ने अभी कटिया में फिर से एक चौपाल शो किया और यहाँ पर लोगों से बातचीत की कि किस तरीके की जो मुद्दों को लेकर जो है उनको वोट करना है। अब इसके बाद विकास उपाध्याय आगे जो गांव है वहाँ पर अपना रोड शो करेंगे, वहाँ पर लोगों के बीच में इस तरह का चौपाल लगाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। हम नेताजी के रोड शो में उनके साथ फिर दूसरे गाँव की तरफ रवाना होते हैं। आइए चलते हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो राम विरोधी है, हनुमान विरोधी है, सनातन संस्कृति की विरोधी है। आप लोग राम मंदिर के निमंत्रण पे नहीं गए, जरूर है कि जब आप जाते हैं तो बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जो है भक्त हैं, बाकी आप हैं तो काल नेमी। ये बीजेपी का कहना। भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी हो गई कि वो कौन राम भक्त है, कौन हनुमान भक्त है, उसका सर्टिफिकेट देने वाले, वो NOC देने वाले, वो अपने आप को आका समझने लग गए। ऐसी स्थिति नहीं है। हिंदुस्तान में हर जाति धर्म के लोग हैं और वो सब जब सवेरे घर से निकलते हैं तो पूजा पाठ करके अपने अपने देवी देवताओं को, अपने पुरखों को, जिनको वो मानते हैं, उनकी आस्था आराधना करके निकलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयीन फैसले ने आदेश कर दिया मंदिर वहाँ बनेगा, सरकार में वो थे, उनको मौका मिला, शासन उनके पास था, उन्होंने किया। जब शासन हमारे पास था उस मंदिर का दरवाजा राजीव गांधी जी ने खुलवाया। बस आखिरी बार ये कहना चाहूंगी कि क्या दावा है विकास उपाध्याय का कि कितने वोटों से, अगर आपको लगता है कि आप जीतेंगे तो कितने वोटों से? देखिए, करीब 7-8 बार से यहाँ पर सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। चुनौती है, बड़ा लक्ष्य है। मैं समझता हूँ पहले भी बड़े लक्ष्य को और चुनौती को हमने स्वीकार किया है, वहाँ भी जीत हासिल हुई है, यहाँ भी जीत हासिल होगी। इस रायपुर राजधानी का लोकसभा है, ये रायपुर के लोग नहीं हमको यहाँ तक पहुँचाया है। तो कितना आपको लगता है? देखिए, हमको लगता है जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, जिस भावनाओं को लेकर जनता के बीच, जनता की भावनाओं के साथ बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, वो घर घर की लड़ाई है, घर घर का अधिकार है। सफलता जरूर मिलेगी। कितना आपको लगता है? 100% सफलता मिलेगी। 100%। तो ये विकास उपाध्याय हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके अपने दावे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जो है बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो जीते थे और जाहिर तौर पर उनके अपने दावे हैं। लोकसभा के तो नतीजे हैं 4 जून को जो है वो निकलेंगे, 4 तारीख को निकलेंगे और 4 जून को पता चलेगा कि कौन किस पर भारी रहा। फिलहाल तो अगर हम बात करें तो दावे हैं और लगातार जो नेताजी हैं वो अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, विकास उपाध्याय भी लगे हुए हैं। तो नेताजी के रोड शो में आज इतना ही, अगले किसी शो में हम किसी और लोकसभा सीट से किसी प्रत्याशी के साथ उनका रोड शो देखेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन दीपक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।